क्या सही व्यू है। तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला व्यू, मेरे टेरेस पे है ये, और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एनीवे, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, जहाँ पे एक 13-14 साल का बच्चा 3 रूबिक्स क्यूब लेके जगलिंग करते हुए उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। तो मुझे रूबिक्स क्यूब का इंटरेस्ट पहले भी था, लेकिन मुझे हमेशा से ही एक ही साइड बनाना आता था। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब में रिसर्च किया इसको कैसे सॉल्व कर सकते। तो जो भी सोल्यूशन यूट्यूब में था मुझे पर्सनली बहुत टफ लगा वो, और कुछ कुछ सिचुएशन में वो हो भी नहीं रहा था। तो मेरा फाइनली, मेरे दो दोस्त थे ऑफिस में, साक्षी और सैयद, जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे फाइनली ये 6-7 स्टेप्स के अंदर इसको सॉल्व करना सिखा दिया। वही स्टेप्स मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो एक आई एम श्योर 100% वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलो नीचे चलते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। चलो, तभी शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज बोल दूं, जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मिडिल में मतलब सेंटर पे जो कलर होगा वो हमेशा वो साइड हमेशा उस कलर का करना है, क्योंकि ये आप मूव नहीं करवा सकते हो कहीं पे। तो बाकी की, जैसे ये येलो हो गया तो बाकी का जो भी येलो है उसको इस साइड में लेके आना है। जैसे ये ब्लू हो गया तो बाकी का जो भी ब्लू है वो सब कुछ यहाँ पे लेके आना है। तो शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा और घुमा लेता हूँ। तो अभी स्टेप वन, स्टेप वन पे क्या करना है, हम लोगों को फर्स्ट कोई भी एक साइड पूरा एक साइड कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे हम लोग व्हाइट का करते हैं, तो व्हाइट यहाँ पे है तो बाकी का सब जो भी है वो इस साइड पे लेके आना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाइट है, तो इसको घुमा के यहाँ पे लेके आया और कहाँ पे व्हाइट है। अच्छा, तो कुछ कुछ सिचुएशंस यहाँ पे होते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग सकते हैं आपको। जैसे हो गया यहाँ पे एक है और यहाँ नीचे यहाँ पे है और आपको ये वाला यहाँ पे लेके आना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा इसको यहाँ से मूव, ये नीचे का जो है आपको यहाँ पे लेके आना है। तो इसको किसी एक साइड में मूव कर दीजिए, फिर मिडिल का आप नीचे ले आओ और फिर इसको वापस लेके जाओ। तो देखो ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो इसको यहाँ पे लेके जाना है। फिर से सेम स्टेप, इसको हटा दो, इसको नीचे लेके आओ, फिर वापस ले जाओ ऊपर। अभी एक सिचुएशन आता है कि आपको जो यहाँ पे चाहिए वो आपके जस्ट यहाँ पे चाहिए, ठीक नीचे में है, इसको एक स्टेप नीचे लेके आना है। तो ये पीछे चले गया है, अभी यहाँ पे इसको पूरा घुमा के सामने लेके आना है, इसको ऊपर, हो गया। नेक्स्ट मुझे ये वाला यहाँ पे लेके जाना है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा फिर यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे लेके आया, ये वाला को घुमाया ऊपर। अभी एक ही बच्चा है जो कि यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखो यहाँ, अगर यहाँ पे आता है तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको घुमाया, इसको घुमाया, फिर ये वाला वापस लाया ऊपर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप टू में क्या करना है, ये जो दो कलर होंगे मिडिल का और सेंटर का, ये दो कलर आपको सेम करना है। अगर ऊपर का बेस हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये बेस हुआ तो ये कलर ये और ये आपको सेम करना है। सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमेशा हमेशा एटलीस्ट
एटलीस्ट दो ऐसे साइड होंगे जिसका कलर सेम होगा, जैसे यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ग्रीन, ये दो सेम कलर है। ऐसा हो सकता है कि ये दो कलर पास पास में हो, मतलब एक यहाँ या फिर एक यहाँ ऐसे हो, और नहीं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे इस सिचुएशन में अगर ये बेस हुआ तो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं जो स्टेप बोलूंगा भी सेकेंड स्टेप दो बार करना होगा, और अगर पास पास में है तो सेम ही ये स्टेप एक ही बार में हो जाएगा। तो अभी हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जो जो साइड में है वो दो साइड में लेफ्ट और राइट में रखूंगा, ब्लू ग्रीन लेफ्ट राइट में रखा। अभी एक नीचे लेके आया मिडिल को, ठीक है, मिडिल यहाँ पे था, नीचे लेके आया, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, फिर से मिडिल वाले को बीच नीचे लेके आया। ये बेस हो गया अभी भी आपका, जो नीचे का है वो हम लोग एक राइट साइड में घुमाएंगे, फिर बीच का जो है ऊपर कर देंगे, और फिर ये वाला अभी यहाँ पे है, इसको ये बेस था, इसको ऐसे घुमा के लेके आएंगे और ऐसे ऊपर कर देंगे। अभी एक ही कलर मैच हो रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको घुमा के देख सकते हो कि कोई और कलर मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने रेड रेड को मैच किया तो रेड रेड और कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो फिर से घुमाएंगे। ऑरेंज ऑरेंज मैच किया तो यहाँ पे ऑरेंज मैच हो गया, यहाँ पे ब्लू मैच हो गया। मैंने बोला था ये अगर ऑपोजिट में आता है तो यही स्टेप आपको दो बार करना है। सेकेंड बार में क्या करना है, जो पास पास में है उसको एक, मतलब ये वाला ब्लू और ये वाला ऑरेंज है राइट, तो व्हाइट ऊपर रखे, एक साइड हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और एक साइड हम लोग सामने, जो कलर मैच हुआ है उसका एक हम लोग सामने रखेंगे, एक लेफ्ट में रखें। तो ऐसे करके हम लोग फिर से वही स्टेप करेंगे। अभी देखिए ये 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 चारों साइड मैच हो गया, ये दो ये दो ये दो ये दो, चारों साइड मैच हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप टू। नेक्स्ट है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या करना है, टी शेप लाना है, मतलब सिर्फ ये वाला नहीं, सिर्फ यहाँ तक एक टी शेप लाना है चारों तरफ, ठीक है। ये ऊपर कप का वाइट है, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, तो ये एक टी शेप लाना है। अभी इसका क्या स्टेप होगा, इसके लिए बेस जाएगा नीचे, तो बेस चला जाएगा नीचे, और फिर आपको कोई भी एक साइड लेके आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ये नीचे है याद रखना, एक राइट साइड से एक ऊपर, इसको लेफ्ट में घुमाना, ये क्या होता है क्लॉकवाइज घुमाना होता है, फिर राइट को नीचे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एक बस बाहर आ गया है, एक वाइट बाहर आ गया। अभी जो वाइट आपके साइड में है उसके पास में कौन सा कलर है देखना है। जैसे यहाँ पे वाइट हो गया, इसके पास में क्या है, रेड है, तो रेड को मैं फर्स्ट रेड के साइड में लेके जाऊंगा, रेड को रेड के साइड में लिख दिया, रेड साइड कौन सा है, ये वाला है, तो रेड को, ये वाला रेड को मैं घुमा के रेड साइड में लेके आया, रेड साइड मतलब जो जिसका सेंटर में रेड होगा लेके आया। अभी क्या करना है, फिर से अभी इसके लेफ्ट, ये रेड है, इसके लेफ्ट साइड में वाइट है, इसके लेफ्ट साइड में वाइट है तो लेफ्ट वाला उठाएंगे, अगर राइट साइड में यहाँ पे वाइट रहता तो राइट को उठाते। तो अभी लेफ्ट में वाइट है तो स्टेप ये है, अप रोटेट डाउन हो गया। अभी देखो फिर से, फिर कहां पे है, फिर वाइट आ गया मेरे राइट साइड में, कौन सा कलर है उसके पास, ग्रीन है, तो इसको ग्रीन साइड में लेके जाएंगे, ये ग्रीन साइड है, ग्रीन को लेके आए। अभी वाइट है राइट साइड में, तो किसको उठाएंगे, राइट को उठाएंगे, राइट वाइट राइट में है तो राइट में घुमाएंगे, वापस भेज देंगे। अभी व्हाइट कहां पे है,
यहाँ पे है, इसके बाजू में कौन सा कलर है, ग्रीन, कौन सा साइड में व्हाइट है, लेफ्ट साइड में है, तो फिर लेफ्ट को उठाएंगे, रोटेट डाउन, जब तक ये यहाँ पे व्हाइट बाहर आएगा हम लोग ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पे अभी भी है, ऑरेंज है, इसको ऑरेंज साइड में लेके आया, व्हाइट राइट में है तो इसको उठाया, इसको वापस डाला, नीचे कर दिया। अभी देखिए नीचे व्हाइट वापस से कंप्लीट हो, जैसे पहले था वैसे हो गया है। यहाँ पे मेरा टी शेप आ गया है ऑरेंज का, यहाँ पे मेरा टी शेप आ गया है, यहाँ पे टी शेप आ गया, यहाँ पे टी शेप आ गया। तो स्टेप थ्री में मुझे जो चाहिए था वो मुझे अभी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप फोर में क्या करना है, जैसे ये आपका बेस हो गया तो ये वाला और ये वाला रो जो होगा वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो दो रो होगा सेम कलर से कंप्लीट, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे रेड चाहिए, यहाँ पे एक ब्लू चाहिए, यहाँ पे एक ऑरेंज चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए। तो स्टेप फोर में क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ये बेस ऊपर रहेगा, नीचे का आप घुमाओगे फर्स्ट, जैसे मेरा ऑरेंज है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग पे ऑरेंज है नहीं है तो मैं रेड का ले लेता हूँ, रेड तो नीचे जो मिडिल वाला ब्लॉक है उसको मैं इसके साथ फर्स्ट सेम कलर करूंगा, जैसे कोई भी एक चूज कर सकता, जैसे मैं ग्रीन भी चूज कर सकता था, मैं ब्लू भी चूज कर सकता हूँ, तो अभी के लिए मैंने रेड चूज किया। तो इसके नीचे ऐसे अगर ऐसे रहेगा तो आप घुमा के लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का तो मैंने रेड है तो रेड के नीचे रेड लाया। अभी हम देखेंगे ये मेरा बेस है, ये रेड के नीचे रेड आया, इसके नीचे क्या कलर है, ग्रीन। जो बेस कलर के ऑपोजिट में जो कलर होगा इसके नीचे अगर वो कलर आया, जैसे कि ब्लू के नीचे क्या आता है, येलो, व्हाइट के ऑपोजिट क्या है, कौन सा साइड है, येलो साइड है, ब्लू के नीचे येलो है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। मुझे इसके नीचे ऐसा कोई कलर चाहिए जो इस ये चारों में कोई हो, तो मेरा अगर नहीं हुआ, अगर हर एक में येलो ही आया है आपका, तो आप ये वाला स्टेप कोई एक साइड से कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरे पास है ग्रीन, तो रेड के नीचे है ग्रीन, अभी ग्रीन कौन सा साइड में है, लेफ्ट में, तो इसके नीचे ग्रीन है तो लेफ्ट में है, तो ये स्टेप ठीक से देखना, इसके नीचे जो कलर है वो जिस साइड में होगा उस साइड से अब मिडिल पे लाना है मुझे। अगर इसके नीचे ब्लू होता और ब्लू यहाँ पे है तो मैं इसको ऐसे घुमाता, क्योंकि इसके नीचे ग्रीन है और ग्रीन मेरे लेफ्ट साइड में है तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, एक स्टेप घुमाया इसको, एक ये कहाँ से आया, लेफ्ट साइड से, तो ऑपरेशन अभी लेफ्ट साइड से होगा। इसको मैंने नीचे लाया, इसको वापस भेजा, फिर इसको ऊपर कर दिया, क्या हुआ, यहाँ पे एक वाइट गैप हो गया जो यहाँ पे है, इसको मैं अभी वापस डालूंगा। तो इसको वापस कैसे डाल सकते हैं, इसको जस्ट जो जिस साइड में ये दो है उस साइड में इसको एक घुमाओ, इसको नीचे लेके आओ, वापस लेके आओ, उठा दो, ठीक है। यही स्टेप का आपको कंटिन्यू करना है, जैसे कि अभी क्या है, इसको घुमा के लेके आता हूँ, रेड के नीचे रेड लाया, अब रेड के नीचे है ब्लू जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है, तो मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा, एक स्टेप घुमाऊंगा, इसको एक नीचे करूँगा, वापस भेजूंगा, इसको ऊपर कर दूंगा, और अभी यहाँ पे मेरा वाइट है, यहाँ पे दो है, तो इस तरफ एक बार घुमाऊंगा, नीचे लेके आओ, तो ऊपर कर दो। अभी देख सकते हैं ये रेड ग्रीन कंप्लीट हो गया, मेरा ब्लू और येलो ऑरेंज अभी बचा है। अभी ब्लू को इसके नीचे लेके आते हैं, ब्लू हो गया ये दो सेम, लेकिन उसके नीचे है मेरा येलो, अगर येलो है तो मैं दूसरा कुछ से फर्स्ट ट्राई करूंगा, फिर और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मैच करता हूँ तो ग्रीन के नीचे भी येलो है, रेड के नीचे अभी भी येलो है, और क्या और एक ब्लू है जिसके नीचे ऑरेंज है, अगर ब्लू के नीचे ऑरेंज है तो सेम स्टेप, ऑरेंज है मेरा राइट साइड में, ब्लू के नीचे ऑरेंज है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे येलो ही आ रहा है तो आप कोई भी एक साइड से शुरू कर सकते हो, मेरा अभी आया नहीं तो दिखा नहीं पाया, तो मैं इसके नीचे ऑरेंज है, ऑरेंज को इस तरफ लाया, नीचे वापस ऊपर,
सेम स्टेप करने से मुझे ये दो ये चारों रो सेम हो गए, देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा स्टेप 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 5 में आपको इस जो कलर बेस कलर है उसका ऑपोजिट में मैच करवाना है, ऐसे एक साइन बनाना है बेस कलर के ऑपोजिट में। ये बेस कलर है तो ये साइड में आपको एक प्लस साइन बनाना है। ये हमारा स्टेप 5 का टारगेट है। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकता है, सिचुएशन यहाँ पे तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है। अभी जो ये स्टेप 4 खत्म होने के बाद यहाँ पे जो दिखेंगे वो तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है। अगर ये बेस कलर है तो उसके ऑपोजिट में, या तो एक बीच में एक येलो रहेगा, एक ऐसे लाइन रहेगा, बाकी के कलर कोई भी हो। आपको पहले ये ढूंढना है कि ऐसा है कि नहीं, एक लाइन रहेगा, नहीं तो कोई भी तरफ से एक ऐसा एल शेप में रहेगा। ये तीनों में से एक सिचुएशन होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पे देखिए, ये वाला एक कोई भी पैर ये लाइन तो नहीं है बीच वाले में, लेकिन एक एल शेप है यहाँ पे। बाकी कॉर्नर्स में क्या कलर है वो हम देखेंगे नहीं, उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। येलो हो फिर ये चाहे कुछ भी हो, हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें पैटर्न ढूंढना है या मतलब बनाना है यहाँ पे एक प्लस पैटर्न। अभी जो होगा वो होगा एक एल शेप में होगा, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो सिर्फ एक डॉट होगा। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे एल शेप में यहाँ पे है। अगर एल शेप में है तो ऑब्वियसली डॉट को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे डॉट तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर डॉट छोड़ के और कुछ है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया एल शेप हो गया, तो अगर क्योंकि हमारे पास एल शेप है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहता, जैसे अगर स्ट्रेट लाइन रहता ऐसे, तो हम लोग ऐसे हमारे साथ पैरेलल में रखते उस स्ट्रेट लाइन को। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में आता तो हम ऐसे घुमा लेते ताकि यहाँ पे आए, लेकिन हमारे पास अभी एल है तो हम लोग क्या करेंगे, एल का एक तरफ हमारी तरफ रखेंगे और एक तरफ लेफ्ट या राइट को, मतलब या तो ऐसे लेंगे ताकि ऐसे आए, नहीं तो ऐसे लेंगे ताकि ऐसे शेप में आए एल। फर्स्ट इज ये वाला को क्लॉकवाइज रोटेट अप राइट डाउन एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर इसको एंटी रोटेट किया, ठीक है। देखिए बाकी व्हाइट वैसे का वैसे ही है, ये जो चारों कलर है वो सेम है, और ऊपर अभी एक पहले एल था अभी स्ट्रेट लाइन हो गया है। क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोला था, दो अपने साथ पैरेलल में रखना है, तो ऐसे था, हम लोग ऐसे पूरा घुमा लिया है, इसको पैरेलल कर दिया है। अभी सेम स्टेप फिर से करेंगे, रोटेट अप राइट से अप, फिर से रोटेट डाउन रिवर्स, फिर रिवर्स रोटेट। ये हो गया हमारा स्टेप 5, क्योंकि हमारे पास अभी प्लस साइन आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करना है, हमें ये जो कलर्स है, ये जो दो कलर्स है, मतलब जिस साइड में जो कलर होगा वैसे मैच करना है, ये दो कलर्स मैच करना है। ये ग्रीन का साइड हो तो यहाँ पे ग्रीन, ये ऑरेंज का साइड हो तो ऑरेंज, ब्लू का साइड है तो ब्लू, रेड का साइड है तो रेड। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम सिचुएशन आ सकता है कि ऐसे एटलीस्ट दो कलर होगा जो ऑलरेडी मैच्ड है। जैसे यहाँ पे हो गया ऑरेंज और रेड, दो मैच्ड है, व्हाइट नीचे है और ये बेस कलर मेरा नीचे रहेगा,
जैसे अगर ऑपोजिट में रहा तो हम लोग सेम सेकेंड स्टेप की तरह इसको दो बार करना होगा और एक को लेफ्ट में रखेंगे एक को राइट में रखेंगे। ये स्टेप बहुत ईजी है, एक को लेफ्ट में रखेंगे एक को राइट में रखेंगे, और अगर पास में हुआ तो एक को राइट में रखेंगे एक को सामने रखेंगे। स्टेप टू में क्या करते थे, लेफ्ट में रखते थे और सामने रखते थे, यहाँ पे राइट पे रखेंगे और सामने रखेंगे। तो अभी दो ऑपोजिट में है तो ऑपोजिट साइड में रखें, ये स्टेप करना है। फर्स्ट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, दो बार लेफ्ट 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 डाउन लेफ्ट। अभी एक बार अभी अगर देखेंगे आप तो कैसे मैच हुआ है, मेरा ऑरेंज और ग्रीन मैच हुआ। तो सेकेंड स्टेप की तरह अगर ऑपोजिट में रहा तो सेम स्टेप को आपको दो बार करना होगा। अभी देखिए ऑपोजिट में था, अभी दोनों आसपास आ गया, अभी दोनों आसपास आ गया, इसलिए एक को हम कैसे करेंगे, अभी एक को राइट साइड में रखेंगे एक को सामने रखेंगे। सेम स्टेप, इसको लेफ्ट राइट में रख के और इसको सामने रख के, अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप लेफ्ट लेफ्ट डाउन लेफ्ट। अभी देखिए रेड रेड मैच हो गया, ग्रीन मैच हो गया, ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू मैच हो गया, सारा कलर जो था वो मैच हो गए बीच में। तो स्टेप सिक्स यहीं पे कंप्लीट, बहुत इजी स्टेप है ये स्टेप सिक्स। अभी आते हैं स्टेप सेवन। तो स्टेप सेवन कंप्लीट करने से पहले यही बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी स्टेप सेवन, तो हम सिर्फ ये 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 और ये चारों कॉर्नर्स के कलर को सेम करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, जो ये और ये कलर्स है, इसको ये जो तीन एडजेसेंट साइड है उससे के साथ सेम करना है। मैं बोलता हूँ कैसे, मतलब जैसे ये 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 तीन कलर, ये तीन कलर कैसे होना है कि जो कलर यहाँ ये तीनों में जो कलर रहेगा ये तीनों साइड भी उसी कलर का होगा। ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इस कलर का ये साइड हो सकता है, इस कलर का ये साइड हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जैसे ये वाले में देख लीजिए, ये ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, तो ये वैलिड है, येलो मैच हो रहा है, लेकिन रेड और ऑरेंज हो गया तो फिर नहीं है। तो अभी जो कलर मैच हो रहा है यहाँ पे, वो कलर को हम लोग राइट साइड में अपने तरफ रखेंगे। जैसे ये कलर देखो मैच हो रहा है, अच्छा बाय द वे ये ऐसा भी होता तो इसको हम मैच बोलते कि ऑरेंज यहाँ पे है और येलो यहाँ पे है, या फिर येलो यहाँ पे है ब्लू यहाँ पे है। ये बेसिक फंडा ये है कि ये तीनों का जो कलर होगा ये तीनों साइड रैंडमली उसी कलर का हो सकता है। यहाँ पे ब्लू है, ब्लू अगर यहाँ पे रहता तो भी चलता। तो ऐसे करके हम लोग एक कॉर्नर ऐसा आएगा जहाँ पे ये सिचुएशन मैच होता है। इन केस अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो आप कोई सा भी एक लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे तीनों मैच है, तो मैं ये राइट में अपने तरफ, मतलब यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, राइट में रख के ये स्टेप करेंगे। ये स्टेप क्या है, बाय द वे बेस नीचे रहेगा, येलो ऊपर रहेगा, ठीक है। ये स्टेप है राइट अप लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट डाउन। अब देखिए क्या सिचुएशन क्या है, ये मैच हुआ, ये अभी भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। तो फिर हम लोग फिर से यही स्टेप करेंगे, राइट अप लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट डाउन।
अभी क्या क्या सिचुएशन आया, अभी भी मैच नहीं हुआ पूरा का पूरा। अभी देखिए ये साइड अभी मैच हुआ है, ठीक है, यहाँ ऑरेंज इस साइड में है, ग्रीन इस साइड में है, येलो इस साइड में है। ये सिचुएशन भी एक मैच सिचुएशन हुआ, ये तीनों इस ये तीन साइड में है, ऑरेंज ग्रीन और येलो, ये तीनों साइड में है, येलो ग्रीन ऑरेंज, ठीक है, इसको भी हम एक मैच सिचुएशन बोलेंगे। तो हम लोग फिर से अभी इसको अपने तरफ रख के राइट हैंड साइड में रख के ये स्टेप करेंगे, राइट अप लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट डाउन। अभी ये साइड मैच है ग्रीन येलो ऑरेंज और ऑरेंज येलो ग्रीन, ये साइड मैच है ग्रीन रेड येलो, ये साइड मैच है रेड ब्लू ऑरेंज, और ये साइड भी मैच है ऑरेंज येलो ब्लू। तो चारों कॉर्नर मेरा मैच हो गया है जो जो साइड है उसके साथ। तभी है लास्ट स्टेप, स्टेप एट। तो स्टेप एट में क्या करना है कि जो भी जो साइड आपका रेडी है कोई भी एक साइड आप लेके ये स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना बेस कलर नीचे होना है और ये स्टेप्स स्टेप स्टेप सेवन तक पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए। एक बार चेक कर लेना कि ये कलर्स मैच हो रहा है कि नहीं, ये चारों तरफ ये कलर्स मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे पूरा मैच हो रहा है। तो कोई भी एक कॉर्नर लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अगर यहाँ पे कोई एक कॉर्नर में ऊपर येलो रहता यहाँ पे, तो उसको छोड़ के कोई और कॉर्नर चूज करते। जो कॉर्नर में येलो नहीं रहेगा उसको लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करना है इसमें, बहुत इजी है, डाउन राइट अप लेफ्ट, यही स्टेप है, इसी को आपको रिपीट करना है जब तक ना यहाँ पे येलो आए। देखो डाउन नीचे का राइट अप नीचे का लेफ्ट, अभी तो भी नहीं है, फिर से डाउन राइट अप लेफ्ट, अभी भी नहीं आया, फिर से डाउन राइट अप लेफ्ट, अभी यहां पे आ गया। तो ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर का घुमाएंगे, पूरा क्यूब नहीं घुमाएंगे, सिर्फ ऊपर का घुमाएंगे ऐसे, इसको ऐसे घुमा लिया, एक आ गया, फिर से वही स्टेप, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, ये कॉर्नर भी आ गया। अभी इस कॉर्नर को करते फिर से सिर्फ ऊपर का घुमाएंगे, डाउन एंड राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, आ गया यहाँ पे। लास्ट बचा है ये कॉर्नर, फिर से घुमाएंगे। अच्छा ये करते हुए बाकी का आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लेना, एंड में सब ठीक हो जाएगा। फिर से करेंगे इसको ऊपर घुमा के, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, और अभी इसको जस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लो, रेड पे डाल के आ जाओ, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज व्हाइट येलो, ये आपका पूरा 8 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बोल के, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और क्या सबको अभी जाके आप शो ऑफ कर सकते हो कि आपको रूबिक्स क्यूब बनाना आता है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।